नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। आज हम बात करेंगे वाराणसी विकास प्राधिकरण की सम्मानित सदस्य साधना वेदांती के बारे में, जिन पर आरोप है कि वे अपने क्षेत्र में हो रहे निर्माण में वाराणसी विकास प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों के माध्यम से वसूली में संलिप्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भाजपा नेत्री बीडीए सदस्य साधना वेदांती के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय गुलाबकारी मीनाकारी के विख्यात कलाकार बलराम दास से 25,000 के डिमांड करने वाले दोनों कर्मचारियों को वाराणसी विकास प्राधिकरण के लोकप्रिय और ईमानदार उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल के निर्देश पर संयुक्त सचिव परमानंद यादव ने मौके पर पहुंचकर जांच किया तो दोनों कर्मचारी बनारसी और दयाशंकर श्रीवास्तव की संलिप्तता पाई गई, जिसके चलते उन्हें निलंबित कर बड़ा संदेश दिया है। बलराम जी, आपके यहाँ जो बीडीए के दो कर्मचारी आए थे वसूली के लिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? संपादक जी, ये क्राउन टाइम्स के खबर का ये असर हुआ कि बीडीए के जो दो कर्मचारी मेरे घर आए हुए थे, 25,000 रुपये की मांग कर रहे थे, उनको बीडीए सचिव परमानंद जी मेरे घर आए हुए थे और उन्होंने पूरा घर का वो मुआयना किया और उसके बाद फिर उन दोनों कर्मचारी बनारसी और दयाशंकर जी को वो तुरंत निलंबित कर दिया गया। लेकिन भ्रष्टाचार की जो जड़ है साधना वेदांती, वो उनको निलंबित नहीं किया गया। मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये साधना वेदांती जो यहाँ जो भ्रष्टाचार फैलाई हुई हैं, उनको यहाँ से तुरंत निलंबित किया जाए और यहाँ के जो भाजपा के जो नेता लोग हैं उनसे भी ये मेरा आग्रह है कि उन्हें जल्द से जल्द इस पद से मुक्त किया जाए। बताते चलें कि पिछले दिनों वाराणसी विकास प्राधिकरण के सम्मानित सदस्य साधना वेदांती के नाम पर कलाकार बलराम दास के यहाँ बीडीए के कर्मचारियों ने अवैध उगाही के लिए दबाव बनाया तो मरता क्या न करता, उन्होंने सबसे पहले बीडीए सदस्य साधना वेदांती से ही मदद की गुहार लगाई तो इस बात की पुष्टि हो गई कि उन्हीं के इशारे पर बलराम जी से अवैध उगाही के लिए फंसाने के लिए पूरी रणनीति बनाई जा रही है। कलाकार बलराम जी के लिए इतनी बड़ी रकम दे पाना नामुमकिन रहा, लिहाजा उन्होंने क्राउन टाइम्स से बीडीए सदस्य साधना वेदांती और उनके सिंडिकेट में शामिल बीडीए के दोनों कर्मचारियों के बारे में तफसील से बताया। खबर की गंभीरता को देखते हुए क्राउन टाइम्स ने खबर प्रसारित किया। इसी खबर का संज्ञान लेकर बीडीए उपाध्यक्ष ने जांच कराकर दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, लेकिन उसी भ्रष्टाचार के मामले में सीधे तौर पर संलिप्तता प्रमाणित होने के बावजूद अब तक भाजपा नेत्री साधना वेदांती पर पार्टी स्तर अथवा योगी सरकार की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसी बीच वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी ने साधना वेदांती पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज से 8 महीने पहले उनके पति से भी निर्माण के बदले 50,000 की मांग के लिए बीडीए कर्मचारियों का ही इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उस वक्त बीडीए सदस्य अमरीश सिंह भोला ने उनकी मदद किया। इस बार के भ्रष्टाचार का खुलासा होते ही महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी ने भाजपा नेत्री साधना वेदांती के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है और इसी कड़ी में उन्होंने बनारस के सभी जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों से लेकर शीर्ष पदाधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने शिकायती पत्र भेजकर उन्हें पार्टी से हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस के संदेश को न केवल दिखाना चाहते हैं बल्कि वास्तविकता के धरातल पर उसे कड़ाई से लागू भी करना चाहते हैं। तभी तो पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के पुलिसकर्मियों का भ्रष्टाचार में नाम आते ही उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और बीडीए कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया गया, अन्यथा योगी जी की हनक को दरकिनार कर भाजपा की पूर्व सभासद व वाराणसी विकास प्राधिकरण के सम्मानित सदस्य साधना वेदांती के नाम पर बीडीए के कुछ कर्मचारियों की उगाही करने की हिम्मत नहीं करते। मजे की बात है कि भ्रष्टाचार के मामले में लिखित शिकायत मिलने के बाद भी अब तक बीडीए सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह तो पूरे देश ने देखा है कि कर्नाटक में भाजपा की प्रचंड हार के बाद भी उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत ने यह संकेत दे दिया है। भारत की राजनीति के उदयाचल पर योगी जी एक नवीन सूर्योदय के रूप में स्थापित हैं।
शायद कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है और इसीलिए ऐसे भ्रष्ट आचरण से उत्तर प्रदेश को प्रदूषित करने में जुटे हैं। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक